माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वन यमुना तीर वन चारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha, Jai Radha, Jai Radha. Jai Radha Gopal Radha Gopal Radhe. Jai Radha Raman Radha Raman Radhe. Jai Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jai Krishna Balaram. Jai Vrindavan Ram Vrindavan Ram Vrindavan Ram Jai Vrindavan Ram. Jai Gauranita, 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 Jai Gauranita. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Guru Re, Guru Re, Guru Re. Jai Ram,
संकीर्तन की जय, श्री भूपाद की जय, उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। लेक्चर छोड़ के भागने वाले सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण सभी का बहुत बहुत स्वागत है सप्ताहिक कार्यक्रम में। तो आज का जो श्लोक है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वो श्लोक है दूसरा स्कंद अध्याय दूसरा, और कौन सा श्लोक है? 33वां श्लोक। तो सभी मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। नह तन्यो शिव पंथ विशत संस्कृता विह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो योगो यतो भवेत्। न कभी नहीं, ही निश्चय ही, अतः इसके परे अन्य अन्य कुछ शिव कल्याणप्रद पंथ साधन विष्ट भटकते हुए संस्कृति भौतिक जगत में यह इस जीवन में वासुदेवे भगवान वासुदेव कृष्ण में भगवती भगवान भक्ति योग प्रत्यक्ष भक्ति यथा जहां भवे ऐसा हो। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं उनके लिए भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकर साधन नहीं है। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी हमें बताते हैं, जैसा कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा, भक्तिमय सेवा या प्रत्यक्ष भक्ति योग ही भव बंधन से उद्धार का एकमात्र पूर्ण एवं कल्याणप्रद साधन है। भव बंधन से उद्धार पाने के लिए अनेक अप्रत्यक्ष उपाय हैं, लेकिन इनमें से कोई भी भक्ति योग के समान सरल तथा कल्याणप्रद नहीं है। ज्ञान तथा योग के साधन एवं अन्य संबद्ध विधियां कर्ता का उद्धार करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ऐसे कार्यों से मनुष्य अनेक वर्षों बाद भक्ति योग की अवस्था को प्राप्त होता है। भगवत गीता 12.5 में कहा गया है कि जो लोग परम के निर्विशेष पक्ष के प्रति आसक्त रहते हैं उन्हें अपने इच्छित लक्ष्य तक पहुंचने में अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं, और परम सत्य की खोज करने वाले ज्ञानी अनेक जन्मों के बाद वासुदेव अनुभूति की महत्ता को समझ पाते हैं। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। जहां तक योग भक्ति पद्धतियों का संबंध है, भगवत गीता 6.47 में यह भी कहा गया है कि सभी योगियों में जो योगी परम सत्य का अनुगमन करता है और जो भगवान की सेवा में सतत लगा रहता है वे योगियों में सर्वोच्च है। और भगवत गीता 18.66 का अंतिम उपदेश है कि आत्म साक्षात्कार तथा भवबंधन से मोक्ष की विभिन्न विधियों या अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भगवान की शरण में आओ। मनुष्य को सभी प्रकार से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना ही समस्त वैदिक ग्रंथों का तात्पर्य है। जैसा कि श्रीमद् भागवत के श्लोकों में प्रथम स्कंद में बताया जा चुका है, या तो प्रत्यक्ष भक्ति योग या वह सारे साधन ही जिनका पर्यवसान भक्ति योग में होता है धर्म के सर्वोच्च रूप है। इसके अतिरिक्त अन्य सब कुछ कर्ता के समय का अपव्यय मात्र है। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं
परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। देखिए भगवद गीता के जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भगवद गीता और भागवतम जो है ये क्या है, एकदम हमें शुद्ध भक्ति योग के बारे के विषय में बता रहा है। केवल और केवल शुद्ध भक्ति, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। अगर आप देखेंगे ऐसा बताते हैं कि सभी वेदों में तकरीबन 100,000 के करीब श्लोक हैं, जिसमें से ज्ञान कांड कर्म कांड के ही तकरीबन कुछ मैं पढ़ रहा था 60,000 श्लोक हैं शायद, जो केवल कर्म कांड के विषय में बताते हैं। ज्ञान कांड के 18,000 श्लोक हैं। लेकिन चैतन्य चरितामृत में क्या कहा गया है, ज्ञान कांड कर्म कांड केवल विषय भांड। क्या है ज्ञान कांड और कर्म कांड, क्या है किस प्रकार से है, जैसे एक विष से भरा हुआ बर्तन होता ना, अपन कहें तो कलशी मन तो है ना, ऐसे कलशी के समान है। अगर आपके पास में कोई मटका हो जिसमें विष भरा हुआ हो, तो ये जो ज्ञान कांड कर्म कांड है ये सब क्या है, केवल विषेर भांड, विषय के भरे हुए वो क्या है, मटके हैं। तो इस श्लोक में भी ही क्या बता रहे हैं, जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं उनके लिए भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकर साधन नहीं है। इसके तात्पर्य में अगर आप पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति किस प्रकार से स्वतंत्र है। भक्ति जो है वो स्वतंत्र है। देखिए आप भक्ति कैसे है, स्वतंत्र है। मुझे बताइए भक्ति करने के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता है क्या, कोई कर्म कांड करने की आवश्यकता है क्या भक्ति में, है नहीं है ना। लेकिन यदि आप ज्ञान योग कर्म योग कुछ भी आप करेंगे, आपको लास्ट में क्या करना पड़ेगा, भक्ति योग पे ही आना पड़ेगा। इसके सिवाय और कोई भी उपाय नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं एक और बहुत प्रसिद्ध श्लोक है चैतन्य चरितामृत में, क्या है, कृष्ण भक्त निष्काम अतेव शांत और भुक्तिगामी सक्रिय अशांत। एक्चुअली ऐसे श्लोक हम इसको उल्टा पढ़ते हैं नॉर्मली, पर अगर आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ेंगे तो इस प्रकार से है वो, कि कृष्ण भक्त जो है वो हमेशा उसको क्या है, वो कोई उसको इच्छा नहीं है। देखिए भक्ति का सर्वोच्च जो नियम है या भक्ति का जो विशेष एक गुण है वो क्या है, निष्काम भक्ति। यदि भक्ति भी अगर आप कर रहे हैं और उसके पीछे आपका कोई उद्देश्य है तो वो भक्ति नहीं है। अगर आप देखेंगे प्रहलाद महाराज गुरु महाराज अपनी स्तुतियों में भगवान को क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं क्या, कि यदि मैंने भक्ति करने के बाद आपसे कुछ मांग लिया तो ये क्या है, किस प्रकार से है, व्यापार है,
जैसे हम व्यापारी हैं, व्यापार किसी किराने वाले के पास जाते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम लक्ष्मी देते हैं और उससे कुछ सामान खरीदते हैं ना। तो अगर हम भक्ति भी इसीलिए कर रहे हैं कि यदि मैं 16 मारा करूंगा तो मेरे जो संकट हैं या मेरी जो प्रॉब्लम है, कोई भी अगर मुझे भौतिक दृष्टि से कोई प्रॉब्लम है तो मेरी क्या हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, तो वो भक्ति नहीं है। लेकिन भगवान देखिए भागवतम में बहुत सारे ऐसे पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स मतलब विरुद्ध आपको दिखाई देगा। जैसे भागवतम का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, प्रभु जी ने भी लास्ट लेक्चर में हमें बताया था, क्या क्या था, मोक्ष अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी अकामो सर्व कामो। अर्थ क्या है, यदि अगर आपकी कोई इच्छा नहीं है और यदि आपके मन में सभी इच्छा है और यदि आप मोक्ष भी चाहते हैं तो भी क्या करो, केवल और केवल कृष्ण की भक्ति करो। और दूसरे शास्त्रों में भी और भागवत में भी क्या बताया गया है, भक्ति कैसी होनी चाहिए, केवल और केवल निष्काम होनी चाहिए, अप्रतिहता, केवल सिंगल पॉइंटेड फोकस, मुझे बस भगवान की भक्ति करनी है। आज बहुत सुंदर एक परम पूज्य गुरु महाराज जी का बहुत सुंदर श्लोक प्रभु जी ने ग्रुप में फॉरवर्ड किया था, उसका भी तात्पर्य यही था। क्या था, जब आपके मन में केवल और केवल ये निश्चय और दृढ़ विश्वास आ जाएगा कि मेरे रक्षण करता केवल और केवल कौन है, श्री व्रजेंद्र नंदन ही है, बस जिस समय आपके मन में ये दृढ़ विश्वास आ जाएगा उस समय आपकी जो सारी समस्याएं वो क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। जिस समय हम पूर्णतः भगवान को शरणागत हो जाते हैं बस उस समय भगवान क्या करते हैं, हमारे जीवन की जो बागडोर है वो अपने हाथ में ले लेते हैं। वैसे ही भगवान के हाथ में ही है, हमारे हाथ में कुछ है क्या बताइए मुझे, लेकिन ये दृढ़ विश्वास होना बहुत आवश्यक है। तो ये श्लोक जो है इसी विषय में बताया है, क्या बता रहे हैं, ज्ञान तथा योग के साधन एवं अन्य सम्बद्ध विधियां कर्ता का उद्धार करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। जब आप भक्ति योग की शुरुआत करते हैं, भक्ति योग की हमें देखिए भक्ति योग की प्रक्रिया थोड़ी सी उल्टी चलती है। जब हम भक्ति में आते हैं, भक्तों का संग प्राप्त करते हैं, तो फिर हमें भक्त क्या बताते हैं कि अब हमें थोड़ा सा भागवतम पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, फिर हम ज्ञान लेना शुरू करते हैं, है ना। दूसरी प्रक्रिया कैसी है, या तो कोई ज्ञान योग में लगा है, कोई कर्म कांड में लगा है, लेकिन कर्म कांड करके वो क्या करेगा, किसी देवी देवता को प्रसन्न करेगा और उसको क्या होगा, क्षणिक सुख प्राप्त होगा। लेकिन वो क्षणिक सुख प्राप्त करने के बाद में जब वो समझ जाएगा कि जो भी मुझे प्राप्त हो रहा है वो क्षणिक है, उसको आखिर में क्या करना पड़ेगा, भगवान की शरण में आना ही पड़ेगा। इसीलिए देखिए यहाँ पे भी तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, 18.66 क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य। जब ये सारी उलझनों में आप घूम फिर के आ जाएंगे ना कर्म कांड में, 16 सोमवार, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, ये सब जब करके आ जाएंगे, बाद में आप सोचेंगे अरे यार इसका कोई इलाज तो है ही नहीं, है ना, इतनी जगह मैं भटक रहा हूं। वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं, सब जगह भटकने के बाद में जब आपको केवल और केवल भगवत गीता के 18.66 श्लोक पे आके आप रुकते हैं। देखिए भगवान ने भी ये श्लोक लास्ट में क्यों बताया, उन्होंने सब ऑप्शंस आपको बता दी। देखिए और होता क्या है, देखिए भगवान मतलब मैं कभी कभी विचार करता हूं, भगवान इतने दयालु हैं, हर जीव की इच्छा पूर्ण करने में लगे हैं। आपको कर्म कांड करने में विश्वास है, आप भगवत गीता पढ़िए, कर्म कांड देखिए कितने प्रकार उन्होंने बताया है, इतने प्रकार के दान है, दान भी जो है वो भी किस आप गुण में करते हैं उसके ऊपर निर्धारित है, सब उन्होंने बताया आपको, सब ऑप्शन बताई है। लेकिन फिर जब अर्जुन की वो व्यथा समझ गए, अर्जुन कहता है भगवान मैं तो अब पूरा कंफ्यूजन में हूं, तो वो क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। आप सबने सब करके देख लिया, गणपति जी, दुर्गा जी, शिव जी, सबकी आराधना करके देख ली, लास्ट में क्या करना है, कृष्ण मेरे पास आ जा बस। लेकिन जो आज के जो बुद्धिमान कह सकते हैं, जो जिसको कहते हैं ना थिंकर्स हैं, वो क्या करते हैं, भगवत गीता के किसी न किसी एक अध्याय तक पहुंचते हैं और वहीं पे जाके अटक जाते हैं। देखिए कर्मकांड के विषय में कहा है भगवान ने, कृष्ण तो स्वयं कह रहे हैं कर्मकांड के विषय में, कर्म करना करो,
ग्रुप में ना आप देखेंगे ना इचल गंज इस्कॉन में बड़े ऐसे विचित्र विचित्र ऐसे आते हैं, भगवत गीता में कृष्ण ऐसे कहते हैं, और वो कब कहते हैं, हमें तो इतने दिन हो गए पढ़ते हैं, हमने तो आज तक नहीं पढ़ा। उसके नीचे जो लिखा होता है ना, वो जो व्यक्ति ने वो मैसेज बनाया उसको जाके पूछना चाहिए, प्रभु जी जरा बताइए किस श्लोक में ये बताया है। बहुत विचित्र विचित्र होते हैं, मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा। वो एक फोटो आ जाता है और उसके लिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं, तो मैं उसे उधर ही पढ़ना छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो अपने वो एक्चुअली भगवत गीता में भगवान नहीं कह रहे, वो जो मैसेज जिसने वो बनाया वो कह रहा है। क्योंकि भगवत गीता का जो तथ्य है वो किसी को समझ में ही नहीं आता, वो समझ में आने के लिए आपको 18वें अध्याय तक आना आवश्यक है। ये श्लोक समझना बहुत आवश्यक है, 18.66। तो अब इसके विषय में अब हम कहां पहुंचे हैं, कौन सा विषय चल रहा है, सर्वश्रेष्ठ क्या है, भक्ति योग है ना। तो भक्ति योग के विषय में चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में 22वां अध्याय आता है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए चैतन्य चरितामृत में भी बहुत सुंदर, अगर आप चैतन्य महाप्रभु और राय रामानंद जी का संवाद अगर आप देखेंगे, उसमें भी देखिए राय रामानंद जी कहां से शुरुआत करते हैं, कहां से शुरुआत करते हैं पता आपको, वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म से शुरुआत करते करते राय रामानंद जी कहां तक पहुंचते हैं, पता आपको कहां तक पहुंचते हैं, ये विशेष संवाद हैं। अगर हम चैतन्य चरितामृत नहीं भी पढ़ पाते तो कुछ एक विशेष संवाद हैं, उन्हें हमें जरूर पढ़ना चाहिए। हाँ, माधुर्य लीला मतलब गोपी भाव में सेवा जो सर्वोच्च है, जो कि मतलब ब्रज में जो गोप गोपियां हैं वो किस प्रकार से भगवान की सेवा उस भाव तक जाते हैं देखिए, और वहां पे जब वो पहुंचते हैं तब चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, हाँ ये सार है। तो सार हमें बताया गया है, वो ग्रंथ उपलब्ध भी है, लेकिन अभी भी हम कहां घूम रहे हैं, ज्ञान कांड कर्म कांड में ही। और हम भक्तों की भी स्थिति यही है, देखिए आपको ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करने में बहुत इच्छा होती है, प्रभु जी हमें ज्ञान कुछ तो मिलना चाहिए, भक्ति में आए हैं प्रभु जी, तो ज्ञान जो है वो प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में पूरा बताया है हमें, लेकिन वो ग्रंथ उठाने का कष्ट तो हमें ही करना पड़ेगा, प्रभुपाद तो अभी आगे हमें बता नहीं सकते, पढ़ के सुना नहीं सकते, है ना। एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो ग्रंथों के द्वारा ही हमें सुना रहे हैं, या उनके जो भक्त हैं शुद्ध भक्त जो इतना अच्छा प्रचार कर रहे हैं उनके द्वारा ही हमें वो ज्ञान जो है संदेश मिल रहा है, बहुत सुंदर संवाद है। उसी प्रकार से ये जो अध्याय है 22वां अध्याय, इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की विधि का वर्णन किया है। प्रारंभ में वे जीव विषयक सत्य तथा भक्ति की सर्वश्रेष्ठता का वर्णन करते हैं। देखिए भक्ति योग किस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ है इसके विषय में वो बताते हैं। इसके बाद में ज्ञान तथा योग की व्यर्थता बतलाते हैं। ज्ञान तथा योग, ज्ञान और योग, योग का अर्थ कौन सा हुआ आपको पता है, योग का अर्थ क्या है, मतलब जो यहाँ का योग जो बता रहे हैं, ये जो अभी इस योग जोड़ना तो हमें पता है, लेकिन ज्ञान तथा योग ये कौन सा योग है, थोड़ा सा आगे आ गया जी, थोड़ा पीछे रश बढ़ रहा है, ये योग कौन सा बता रहे हैं, आज का सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध योग है, ये सभी योग करते हैं, सभी करते हैं ना, कौन से सभी कर रहे हैं, कौन कौन करता है, अष्टांग योग, ये वो योग है, कपाल भाति और कौन सा, अनुलोम विलोम प्राणायाम, नहीं ये अच्छा है, अगर आप पढ़ेंगे जप करने की आदर्श कला उस पुस्तक में भी महानिधि महाराज जी ने ये बताया है, लेकिन उन्होंने किस लिए बताया है, किस लिए बताया है, ऐसे मैं कुछ अजीब सा तो नहीं दिख रहा ना, सब ऐसे मेरे चेहरे की तरह दिख रहे प्रभु जी, हिंदी में ही बोल रहा हूँ ना, ऐसा तो नहीं कोई चाइनीज भाषा बोलने लग गया मैं, या कोई दूसरे ग्रह से आया हुआ तो नहीं लग रहा ना मैं, किस लिए बताते हैं वो, जब करते हुए सबको क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, नींद आती है और मन भटकता है, ध्यान नहीं लगता, नींद आती, तो मैं आज बहुत वैसे विशेष सुन रहा हूँ, सबका नॉर्मली यही होता है कि प्रभु जी ध्यान नहीं लगता,
प्रभु जी मनात विचार येतात, दुख स्थिर राहत नहीं, तो वहां पे उस पुस्तक में माननीय स्वामी महाराज जी ने इसके विषय में बताया है कि अगर आपका मन स्थिर नहीं है तो आप प्राणायाम कर सकते हैं, प्राणायाम करने से आपका मन जो है वो स्थिर हो जाएगा। लेकिन वहां पे भी उन्होंने ये नहीं कहा कि रोज कपालभाति अनुलोम विलोम करो और अपने शरीर को, ये जो है ये उसके बाय प्रोडक्ट है। उसका मुख्य प्रोडक्ट क्या है, उसका मुख्य प्रोडक्ट क्या है, अनुलोम विलोम विलोम करने का और प्राणायाम करने का, ध्यान स्थित, आपका जो जप के प्रति है वो ध्यान लगेगा, वैसे ही ज्ञान है। यहां पे क्या बताते हैं, उन्होंने इसकी व्यर्थता बताई, मतलब ये व्यर्थ है ज्ञान कांड। ज्ञान मतलब क्या कर रहे हैं, यदि आप ज्ञान प्राप्त करके अपनी पंडिताई दिखाना चाहते हैं, मुझे भगवत गीता के इतने सब श्लोक याद हैं, लेकिन अगर आपको 18.66 ही नहीं समझ में आया तो क्या उपयोग है। जो योग आपको भक्ति योग में आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है, वो योग ही सही है। नहीं तो अगर आप सुबह सुबह जाके अलग अलग ताड़ासन हलासन और वो कौन कौन से पता नहीं ऐसे पैर को गर्दन के पीछे लेके वो अलग अलग आसन कर रहे हैं, उसका कोई उपयोग नहीं है। यदि भक्ति में उसका आपको कुछ काम आ रहा है तो वो आपके उपयोग का है। सभी परिस्थितियों में जीव के लिए भक्ति मार्ग स्वीकार करने की संस्तुति की गई है, जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं स्पष्ट किया है। सभी परिस्थितियों में मतलब जो भी श्लोक बताया, अकाम सर्व काम, आपकी बहुत सारी कामनाएं हैं, देखिए भगवान ने कितनी आपको छूट दी है, आप सब आपके मन में कामनाएं भरी पड़ी हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो भी क्या करो, भक्ति करो। और अगर कोई कामना नहीं है तो भी भक्ति करो। उसके अलावा मोक्ष की कामना है तो भी भक्ति करो, क्योंकि हमारे आचार्य ये जानते हैं कि आप कुछ भी करोगे लेकिन अगर आप भक्ति कर रहे हो तो एक बार आपने इसको पकड़ लिया तो ये आपको छोड़ने वाला नहीं है। कृष्ण की एक विशेषता है, एक बार आपने उनको पकड़ लिया वो फिर आपको छोड़ेंगे नहीं, फिर वो आपको लास्ट तक लेके ही जाएंगे। लास्ट तक मतलब कहां तक, कहां तक लेके जाएंगे, भगवत धाम, भगवत धाम वो लेके जाएंगे ही जाएंगे। तो इसीलिए क्या बता रहे हैं, आपकी इच्छा है नहीं है लेकिन क्या करो, केवल और केवल भक्ति हो। इसीलिए जितने भी यहाँ पे भक्त उपस्थित हैं, सभी की अगर किसी की सभी की समस्याएं हैं या किसी भी की कोई समस्या नहीं है, केवल और केवल क्या करो, भक्ति। इसलिए प्रभुपाद बार बार कहते थे, क्या कहते थे, तुमने इतने जन्म व्यर्थ गवाए हैं, केवल अपना ये एक जन्म मुझे दे दो। मुझे दे दो मतलब क्या, मतलब जो प्रभुपाद जो प्रचार कर रहे हैं उस प्रचार कार्य के लिए या उस उद्देश्य के लिए दे दो आप, भक्ति के लिए। अच्छा इसमें मुझे बताइए, इसमें कोई लॉस है क्या, है क्या कोई लॉस है, नहीं है ना, फिर भी भक्ति क्यों नहीं करते मुझे बताइए, फिर भी देखिए भक्ति नहीं करते, क्यों नहीं करते, ठीक है आप तो सभी भक्त हैं, आप तो इतने सालों से आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। कर्म कांड करेंगे, देखिए सब तरह से कर्म कांड फुल फ्लो चल रहा है, अभी तो गणपति जी पितृपक्ष आगे दुर्गा माता दिवाली सब मतलब सब चल रहा है, देखिए कर्म कांड सबकी तैयारी है। गणपति जी को बिचारे मतलब, और मेरे एक मित्र है मुझे बोलते वो दूसरे धर्म के हैं, बोले प्रभु जी बोले मेरे को, अरे हमारे एक मित्र हैं बोलते हैं वो लेके आते हैं, वो तो गणपति को लेके आते हैं 2 घंटा घर में पानी में बहा देते हैं वो, अब मैं उनको क्या समझाऊं, मतलब मुझे भी थोड़ा सा मन में लग रहा था, वो मतलब मुस्लिम धर्म के हैं, वो उनका कहने का उद्देश्य वो गलत नहीं कह रहे थे क्योंकि मैं उनको काफी सालों से जानता हूं, ऐसा नहीं है वो, लेकिन उनकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा था कि हमें हमारे ही धर्म का ज्ञान नहीं होने की वजह से दूसरे धर्म वाले उसको किस प्रकार से विचार करते हैं, बोले ऐसे कैसे, मतलब आप किसी को घर पे लेके आते हो 1-2 दिन रखते हो बाद में उसको पानी में बहा देते हो, मतलब कितना विचित्र है। देखिए जबकि गणपति जो है वो कौन है, श्रेष्ठ वैष्णव है, लेकिन वो प्रथा है, मतलब उसके पीछे का ज्ञान विज्ञान क्या है किसी को पता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु कौन है,
कौन है? हाँ मामा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या कह रहे, हाथ खड़ा करिए कुछ बताइए। हाँ स्वयं भगवान है। हाँ कौन है? राधा कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु कौन है बताइए? देखिए हमें हम यही नहीं पता। अवतारी है, वाह आपने जो बोला वो सब सही है, लेकिन ये जो परिपक्ष यहाँ पे हम जिस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं वहां पे चैतन्य महाप्रभु हमें क्यों बता रहे हैं बताइए? उनको क्या आवश्यकता बताने की, क्यों बता रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए हैं, तो जो सर्वश्रेष्ठ भक्त है वो ही हमें गाइड कर रहे हैं। देखिए भगवान की लीला देखिए, अब बोलते हैं यार तुमको तो कुछ जमने वाला नहीं है, तो मैं खुद ही आता हूं भक्त के रूप में और तुम्हें बताता हूं। क्या बताता हूं? भक्ति कैसे करनी है, भक्ति कैसे करनी है, तो इसलिए बता रहे हैं भगवान, खुद ही बता रहे हैं कि सब जो है ये सब व्यर्थ है, समय का अपव्यय है, आप टाइम पास कर रहे हो, केवल समय का अपव्यय है। बुद्धिमान मनुष्य को कर्म कांड, ज्ञान कांड तथा योग की विधियों का परित्याग कर देना चाहिए। मनुष्य को इन व्यर्थ की विधियों का परित्याग करके कृष्ण भावनामृत के मार्ग को निष्ठा के साथ ग्रहण करना चाहिए। देखिए ये स्वयं भगवान का क्या है, आदेश है। केवल देखिए हम सब आप तो सब बैठे हैं बहुत अच्छे भक्त हैं, लेकिन एक प्रकार से भगवान हमें ये गारंटी भी दे रहे हैं कि अगर आपने सबने कृष्ण भावनामृत का मार्ग पकड़ लिया है तो यही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, इस मार्ग को छोड़ के मत जाइए। ये भगवान अपने मुख से कह रहे हैं, देखिए हमें गारंटी दे रहे हैं। पहले तो बेचारे गारंटी दे चुके हैं, भगवत गीता सब पढ़ना छोड़ दिया, अब फिर से आए, कब पहले 5000 वर्ष पूर्व आए किसी ने फिर भूल गए, अभी 500 वर्ष फिर 4500 वर्षों के बाद आए, गारंटी दे रहे हैं किस तरह उसका जीवन सफल हो जाएगा। चैंट एंड बी हैप्पी, प्रभुपाद ने भी यही कहा, जब करिए और खुश रहिए, चैंट एंड बी हैप्पी, यहां पे भी वही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार उसका जीवन सफल हो जाएगा यदि वह पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना को अपनाता है, तो भले ही बीच बीच में वह ज्ञान तथा योग के पूर्वाभ्यास के कारण उत्तेजित होता रहे, किंतु स्वयं कृष्ण उसकी रक्षा करेंगे। अब क्या है, ज्ञान तो हम कर्म कांड करते प्रभु जी, आमच्या घरी तर गणपती आणत होते प्रभु जी, आता काय करायचं होता है ना, बहुत सारे भक्त प्रश्न पूछते हैं प्रभु जी तो हम क्या कहते हैं, हमारा क्या होना चाहिए, उनको बंद करा। उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? वैष्णव घर में आए हैं कोई बात नहीं, अगर घर में कुछ ऐसा द्वंद, कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े का कुछ वातावरण चल रहा है, लेकिन आप गणपति जो किस तरह किस आपका नजरिया क्या है, गणपति जी आ गए हैं थोड़ा सा कुछ मांग लेते हैं, उनकी सेवा कर देते, कुछ मांग लेते हैं, नहीं वो वैष्णव आए हैं, अब उनको वैष्णव को भी क्या करिए, वैष्णव प्रसाद दीजिए और उनका सम्मान करिए। तो इस प्रकार से क्या बता रहे हैं कि जो भक्त है वो कभी कभी कर्म कांड और ज्ञान कांड के कारण उत्तेजित हो सकता है, लेकिन कृष्ण उसकी रक्षा करेंगे, कृष्ण उसको रास्ता जरूर दिखाएंगे। सच तो यह है कि शुद्ध भक्त के आशीर्वाद से ही भक्ति का वरदान मिलता है। देखिए बता दिया, भगवान भक्ति नहीं दे सकते, भक्ति किस वजह से मिलेगी आपको, केवल और केवल शुद्ध भक्त के कारण, प्रभुपाद के कारण, गुरु महाराज जी के कारण आपको भक्ति मिल सकती है, अदरवाइज भगवान भक्ति नहीं देते। क्यों नहीं देते? हाँ भगवान, हाँ भगवान भगवान स्वयं बिक जाते हैं, बिकने से भी मतलब अगर हम सही बताएं भगवान 24 आवर्स वहां पे खड़ा रहना पड़ता है, अरे ये तो मेरा भक्त है इसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए भगवान भक्ति नहीं देते। भक्ति केवल कौन दे सकते हैं? उनके शुद्ध भक्त ही दे सकते हैं। शुद्ध भक्त सर्वोत्तम अध्यात्मवादी होता है और मनुष्य को अपनी सुप्त कृष्ण भावना को जागृत करने के लिए उस भक्त की कृपा प्राप्त करनी होती है। कृष्ण भावनामृत क्या है? हमारे हृदय में क्या है? सोई हुई है, सुप्त अवस्था में है,
चेतो दर्पण मार्जन, इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहे, चेतो, जब तक आप उसको मार्जन नहीं करेंगे तब तक वो जागृत अवस्था में नहीं आएगी। देखिए कितना विशेष विज्ञान है ये। बहुत सारे जो बाहर के लोग हैं वो हमें देखते हैं, सोचते हैं यार ये क्या चल रहा है इनका, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। उनको ये नहीं पता कि ये घिसाई चल रही है। क्या चल रही है? घिसाई चल रही है। दो दो घंटा रोज घिसना पड़ता है ना। तभी भी क्या हो रहा है, कृष्ण भावनामृत जागृत नहीं हो रहा। हो रहा है क्या किसी का? हो रहा है, लिबारे प्रभु जी बोल रहे हैं, हो रहा है प्रभु जी। अच्छा है प्रभु जी, बहुत अच्छा है, मुझे भी थोड़ा आइडिया बताइए, मेरा तो जागृत नहीं हो पा रहा, बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। अच्छा है, होना चाहिए, होता है, धीरे धीरे समय लगता है उसको। लेकिन कृष्ण भावना, शुद्ध कृष्ण भावना, जो अगर कहीं कह दिया जाए प्रभु जी ये सेवा आपको करना है, ये जो है ना इसके टेस्ट होते हैं, बताएं। और सबसे बड़ा टेस्ट क्या है पता है आपको? सेवा। सेवा सबसे बड़ा टेस्ट है। प्रभु जी आज माता जी जरा कमी है, माता जी जरा सेवा साठी हो सकता है, प्रभु जी जरा दशहरा नहीं दिवाली की सफाई कर ले। ठीक है, माताएं बेचारी बहुत अच्छी सेवा करती हैं, भगवान की सेवा हो जाती। देखिए आज ऐसा था कि थोड़ी माताएं कुछ कम थी, सबको टेंशन था सेवा कैसे होगी, लेकिन भगवान अपने व्यवस्था करते हैं। आज हमारी जो IGF है वो माताओं ने आके बहुत अच्छी सेवा की, सभी जो छोटी माताएं हैं बहुत अच्छी सेवा की, सभी ने कटिंग वगैरह कर दी। देखिए प्रसाद बन गया, आप सब बैठे आराम से जो क्या कर रहे हैं, लेक्चर का आनंद ले रहे हैं, बहुत अच्छी सेवा हो जाती है। लेकिन सबसे सबसे महत्वपूर्ण जो टेस्ट है वो सेवा है। देखिए तो अगर सेवा ढंग से हो रही है, अगर हमारा मन सेवा करने के लिए हमेशा तैयार है, प्रेरित है, एकदम उत्साही है, इसका मतलब है कृष्ण भावना जागृत हो रही है। ठीक है, मनुष्य को शुद्ध भक्तों की संगति करनी होती है। यदि मनुष्य को किसी महात्मा के शब्दों में दृढ़ आस्था होती है तो उसमें शुद्ध भक्ति जागृत होगी। इसीलिए प्रभुपाद के शब्दों के ऊपर आपको दृढ़ विश्वास होना बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद के शब्दों के ऊपर, गुरु महाराज के शब्दों के ऊपर दृढ़ विश्वास होना बहुत आवश्यक है। जितने भी हमारे आचार्य हैं इस्कॉन में, जितने भी गुरु हैं, गुरु वर्ग है, सबके ऊपर आपको उनके शब्दों के ऊपर दृढ़ विश्वास होना बहुत आवश्यक है। और अगर दृढ़ विश्वास नहीं हो तो वही 10 अपराधों में से आता है ना, रोज सुबह हम पढ़ते हैं, है ना। तो अगर आप दृढ़ विश्वास नहीं है शास्त्रों के ऊपर, गुरु की वाणी के ऊपर दृढ़ विश्वास नहीं है, गुरु को अगर आप साधारण मनुष्य समझ रहे हैं तो क्या होगा, अपराध शुरू हो जाएंगे। अपराध शुरू होते ही क्या होगा, आप शुद्ध नाम हरि नाम नहीं ले सकते। यहां पे चैतन्य महाप्रभु बता रहे, मैं नहीं कह रहा, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वां अध्याय, अभी अध्याय तो शुरू ही नहीं हुआ, ये केवल शुरुआत है, ये सिर्फ मैं पढ़ के बता रहा हूं, लेकिन बहुत सुंदर है ये भी, अगर हम थोड़ा सा भी चिंतन मनन इसके ऊपर कर लें तो बहुत बड़ी बात है। इस अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु ने शुद्ध भक्त तथा अन्यों में भेद किया है। उन्होंने शुद्ध भक्त के लक्षण भी बताए हैं। भक्त का सबसे दुर्जय शत्रु भोग विलास हेतु स्त्री संग है। इसमें बताया गया है स्त्री संग, स्त्री संग का अर्थ क्या हुआ? व्यभिचार। और दूसरा, ऐसे लोगों का भी संग करना जिनका फेवरेट टॉपिक क्या है, स्त्री संग है। जो बार बार हमें शास्त्रों में हमारे आचार्य बताते हैं, क्या बताते हैं, ग्राम्य वार्ता, है ना, ग्राम्य वार्ता, ये सब भी क्या है, इसी का अंग है, ये भी उसी संघ के, क्योंकि नॉर्मली अगर चार पुरुष कहीं पे बैठे होंगे तो यही चर्चा हो रही होती है ना, ये इससे बच के रहना चाहिए। देखिए बता रहे हैं, अभक्तों की संगति की भी निंदा की गई है क्योंकि भक्ति मार्ग में ये भयावह शत्रु हैं। अभक्त जिनको भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, अरे संडे को कहां जा रहे हो यार, चलो घूमने चलते हैं, पिक्चर देख के आते हैं, खाना खाने चलते हैं, और बहुत सारे कार्य हैं वहां चलते हैं, उनका भी आपको त्याग करना पड़ेगा। ये सबसे बड़े शत्रु हैं। मनुष्य को कृष्ण के चरण कमलों में
पूर्णतः समर्पण करना होता है और स्त्रियों तथा अभक्तों के प्रति आकर्षण का परित्याग करना होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जब भी चार लोग कहीं पे बैठे होंगे तो उनमें चर्चा यही चल रही होती है। स्त्रियों की चर्चा भी मतलब ऐसा है, अरे तुमने उसके बारे में देखा, वो यहां जाती है वहां जाती है, ये भी चर्चा व्यर्थ है। इसमें कोई लेना देना नहीं है, इसमें कुछ भी आना जाना नहीं है, केवल टाइम पास है। आप एक ध्यान में रखिए, आज अगर आप किसी स्त्री के विषय में चर्चा कर रहे हैं, कल को आपके घर में भी स्त्रियां हैं, उनके विषय में भी कोई चर्चा करेगा, बहुत आनंद आता है ना। अरे तूने उसको देखा, वो यहां जा रही थी वहां जा रही थी, मुझे वो वहां नजर आई, वो वहां नजर आई। आपको क्या करना है मुझे बताइए, इससे कोई लेना देना है क्या मुझे बताइए। लेकिन कितना आनंद आता है ना हमें दूसरों की, अगर हम मैं साधारण भाषा में, दूसरों के घरों की इज्जत उछाल के कितना आनंद आता है हमें। लेकिन ये बहुत गलत है। इसके विषय में शास्त्रों में भी एक कहानी आती है, यदि अगर आप ऐसी चर्चा किसी के बारे में करते हैं तो वो जो स्त्री ने अगर कोई गलत कार्य कर रही है उसको उतना परिणाम नहीं मिलेगा जितना आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप उसका प्रचार कर रहे हैं। और किसी भी गलत कार्य का प्रचार करना, चुगली करना, इधर की बात उधर करना, ये उस कार्य से भी ज्यादा खतरनाक है। होता क्या है, हम क्या बन जाते हैं, इंग्लिश में उसको एक वर्ड आता है जजमेंटल। जजमेंटल मतलब खुद ही हम जज बन जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, उसका निकाल लगा देते हैं, वो वहां गई थी इसका मतलब क्या है, वो ऐसी है। इन सब वार्ताओं से भी हमें दूर रहना चाहिए, हमें इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहिए। फिर पूर्णतः शरणागत भक्तों के 6 लक्षण भी इसी अध्याय में वर्णित हैं। भक्ति की 2 श्रेणियां की गई हैं, वैधि भक्ति तथा रागानुगा भक्ति। अभी देखिए ये अध्याय जो इतना बड़ा है इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो और समय पूरा भक्ति के बताया गया है। वैधि भक्ति में 64 बातें हैं जिनमें से अंतिम 5 सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कौन सी महत्वपूर्ण बातें बताइए भक्ति शास्त्री स्टूडेंट्स, बताइए। भक्ति के 64 जो महत्वपूर्ण अंग है उसमें से 5 सर महत्वपूर्ण अंग है कौन से हैं बताइए। हाँ, ए बी सी डी ई नहीं है। हाँ जी, मैं ये जो 64 बताए गए हैं भक्ति रसामृत सिंधु में उसका बता, उसके विषय में चर्चा चल रही है। हाँ जी बताइए, एक मिनट। हाँ माता जी, हाँ माता जी, हाँ हाँ, भागवतम पठन और धामवास, वेरी गुड। हाँ साधु संग और हाँ माता जी बताइए, संकीर्तन। हाँ प्रभु जी की, प्रभु जी में से किसी ने भी भक्ति शास्त्री नहीं किया, सब कृपा करके जिन्होंने भक्ति शास्त्री की अपना अपना भक्ति शास्त्री सर्टिफिकेट प्रभु जी के पास वापिस जमा करा दीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण 5 विषय हैं। और इसमें भी कार्तिक मास में तो इसका विशेष वर्णन है, विशेष फायदा है, उपयोग है। इसीलिए हम देखिए अभी हम यात्रा लेके क्यों जा रहे हैं कार्तिक में, उसका कारण ही है धामवास। धामवास करिए, समझ में आ गया आपको सभी 5 बातें समझ में आ गई प्रभु जी। ABCD आपका जो बता रहे हैं वो सही है, लेकिन ये जो भक्ति रसामृत सिंधु में जो 5 मेन विषय बताए गए हैं अभी उन्होंने जो बताया वो महत्वपूर्ण है, तो इसमें उसका वर्णन है। भक्ति की 9 विधियों में से 1 का भी अभ्यास करने से मनुष्य सफल हो सकता है। अब 9 विधियां तो सबको पता है ना, अब वो भी वापिस रिपीट करने की आवश्यकता है क्या? माता जी बोल रही नहीं प्रभु जी, चलिए श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की इच्छा है, फटाफट 9 विधि बता दीजिए प्रभु जी इन लोगों के लिए। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, दास्यम, साख्यम, आत्म निवेदनम, हो गया अर्चनम, 8 ही हुआ था, मैं वही सोच रहा हूँ 8 ही, मंदनम, हाँ दास्यम हो गया, दास्यम साख्यम हो गया, ठीक है अभी सबको पता है। ये कहते हैं 9 विधियों में से अगर आप 1 विधि भी कर लेते हैं तो आपका जीवन सफल है। और हमारा देखिए इस्कॉन में प्रभुपाद ने हमें कितनी
विशेष छूट दिया है, मतलब कितना विशेष हमें उन्होंने एक गिफ्ट दिया, उपहार दिया है कि हम मंदिर में आते हैं तो 9 की 9 विधियां करने की सुविधा है हमारे पास में, 9 की 9 विधियां हम कर सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में बताया, देखिए भक्ति योग विशेष, घर जाके पढ़िए, प्रयत्न करिए। ज्ञान तथा योग कभी भी भक्ति में सहायक नहीं बनते, बता दिया उन्होंने। ज्ञान तथा योग, भक्ति योग मतलब कौन सा, हठ योग, वो कभी भी भक्ति में सहायक नहीं बनेंगे। पुण्य कर्म, अहिंसा, इंद्रिय संयम तथा नियमन शुद्ध भक्ति से भिन्न नहीं है। कौन कौन सा? पुण्य कर्म, अहिंसा, इंद्रिय संयम तथा नियमन, नियमों का पालन करना, ये शुद्ध भक्ति से भिन्न नहीं है। अगर आप आगे बताएंगे, अगला मैं पढ़ ही देता हूं, यदि कोई भक्ति में लग जाता है तो सारे सदगुण पीछे पीछे चलते हैं। देखिए, अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आपको अलग से ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। अहिंसा, भक्ति में आ गए तो वैसे ही मांसाहार बंद हो गया, अहिंसा हो गया, तो केवल मांसाहार ही अहिंसा है क्या? भक्ति शास्त्री स्टूडेंट्स, और कौन कौन से अहिंसा और क्या क्या है? हाँ बताइए, दूसरा अभी हमारी वही चर्चा हुई है ना, हम स्त्रियों के बारे में जो भी चर्चा हो रही, किसी स्त्री के विषय में कुछ बोलना अगर आप बोल रहे हैं तो भी क्या है, वो हिंसा है। देखिए, इसीलिए सभी से अनुरोध है, भक्ति शास्त्री जरूर करिए, आपको भक्ति का एकदम डीप तक ज्ञान। अहिंसा केवल ये नहीं है कि हाँ मांसाहार नहीं करता और दिन भर चुगलियां कर रहा हूं, चुगली करना भी हिंसा है। तो अगर आपने ये कर लिया तो सदगुण जो आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। फिर क्या बता रहे हैं? पुण्य कर्म, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ पुण्य कर्म है, अलग से पुण्य कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बताइए, माता जी से पूछ तक, प्रभु जी कोई बताना चाहेगा, पुण्य कर्म करने की आवश्यकता क्यों नहीं है? मैं सिर्फ एक शब्द बोलूंगा फिर आपको ध्यान में आ जाना चाहिए। हाँ प्रभु जी, पुण्य कर्म स्वर्ग तक जाएंगे। हाँ प्रभु जी, पुण्य कर्म का फल भुगतना पड़ेगा वापिस से, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम। लेकिन पुण्य कर्म करने की आवश्यकता क्यों नहीं है ये मुझे बताइए। और एक इसका एक बहुत विशेष उदाहरण, मतलब अगर हम अगर सोचें, हाँ मतलब यस, वही पेड़ का उदाहरण या जठर का उदाहरण है ना, पेड़ का, जब आप जड़ में ही पानी डाल रहे हो तो फिर जो शाखाएं उनको पानी देने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता ही नहीं है ना। भगवान की भक्ति जो कर रहा है, ये सब जो है वो क्या है, ये सदगुण कहे जाते हैं, ये सब उसके पीछे पीछे अपने आप चलने लग जाते हैं, उनका अलग से अनुशीलन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। स्वतः स्फूर्त भक्ति का उदय तब होता है जब कोई ऐसे शुद्ध भक्त का अनुयायी बनता है जिसे ईश्वर का रागानुग प्रेम प्राप्त हो। स्वतः स्फूर्त मतलब रागानुगा भक्ति, उसके लिए मतलब रागानुगा भक्ति का अर्थ क्या हुआ, आपको भक्ति करने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप जैसे ही सुबह उठोगे, उठते साथ ही आपके जो भी कार्य होंगे वो सब आप भक्ति के अनुरूप ही, अनुकूल ही होंगे। आप जो भी करेंगे वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करेंगे। और ये कब प्राप्त होता है, कब प्राप्त होता है? जब आप ऐसे किसी शुद्ध भक्त का संग प्राप्त करते हो जो खुद रागानुगा भक्ति कर रहा है। जैसे बहुत बार उदाहरण हम देते हैं ना कि अगर क्रिकेट सीखना तो किससे सीखना पड़ेगा, सलमान खान से, सचिन तेंदुलकर से सीखना पड़ेगा ना, और अगर एक्टिंग सीखनी है तो सचिन तेंदुलकर से नहीं, किसी एक्टर से सीखनी पड़ेगी, है ना। उसी प्रकार से अगर रागानुगा भक्ति भी करनी है तो आपको किसका संग करना पड़ेगा, ऐसे शुद्ध भक्त का जो स्वयं रागानुगा भक्ति कर रहा है, जिसे ईश्वर का रागानुगा प्रेम प्राप्त हो।
श्री चैतन्य महाप्रभु ने रागानुग अवस्था में स्थित भक्तों के लक्षणों का वर्णन किया है। उन्होंने उन भक्तों का भी वर्णन किया है जो शुद्ध भक्तों के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये जो था ये क्या है, केवल इस अध्याय का शुरुआत है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि हायर टेस्ट, अब आपको क्या किया है, सिर्फ एक रसगुल्ला दिया है। अब अगर आपको रसगुल्ला खाना है तो आपको हायर टेस्ट, अगर अब आपको चस्का लग गया है, जो शुद्ध भक्ति करना, देखिए जो शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं वो प्रयास करेंगे ये अध्याय पढ़ने का। बहुत अच्छा अध्याय है, बहुत सुंदर, कहना चाहता था लेकिन अब इस समय भी ये हो गया है, लेकिन बहुत सुंदर है, आप पढ़िए। ये क्या है, आपका होमवर्क है, गृह पाठ है, घर पे जाके पढ़िए। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वां अध्याय, उस अध्याय का नाम ही भक्ति योग है, तो आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। देखिए मैं कभी कभी विचार करता हूँ, टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है। मैंने प्रभु जी को उस दिन कहा, प्रभु जी चैतन्य चरितामृत हिंदी का मध्य लीला आपके पास नहीं, हिंदी में प्रभु जी बोले हैं। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो इसकॉन डिजायट्री पे पूरा का पूरा चैतन्य चरितामृत हिंदी में मिल गया, मैंने उसका पूरा डाउनलोड ही कर लिया। अब आप कहीं भी उसको साथ लेके जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। देखिए इतना सारा सेट उठाने से थोड़ा सा ये लैपटॉप उठाना ज्यादा सुविधाजनक है ना, तो अगर हमें इस सुविधा मिली है, अगर कोई टेक्नोलॉजी मिली है तो उसका हम उपयोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं। इसमें भागवतम भी डाउनलोड कर लिया मैंने, भागवतम भी है प्रभु जी, पूरा सब कुछ है इसमें, कितना आसान है। मतलब देखिए आपको पूरा का पूरा वो सेट उठाने की आवश्यकता नहीं है, तो ये आप जरूर पढ़िए, बहुत सुंदर है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं दो चार शुरुआत के श्लोक मेरे से, एक्चुअली चैतन्य साहब इतना मधुर है, उसको पढ़ने में इतना आनंद आता है। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। ये क्या है, चैतन्य महाप्रभु और उनके सभी जो पार्षद है उनका गुणगान कर रहे हैं, सभी भक्तों की जय हो। एत कहिलु संबंध तत्वेर विचार, वेद शास्त्र उपदेशे कृष्ण एक सार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैंने अनेक प्रकार से कृष्ण के साथ मनुष्य के संबंध का वर्णन किया है, यही समस्त वेदों का विषय है। देखिए समस्त वेदों का विषय भी क्या है कि जीवों का कृष्ण के साथ क्या संबंध है, लेकिन जीव जो है वो कर्म कांड में उलझ के अपना रास्ते ही भटक जाता है। और क्या बताते हैं, कृष्ण सारे कार्यकलापों का केंद्र है। एवे कही सुना अभिधय लक्षण, याता यहां है ते भाई कृष्ण, कृष्ण प्रेम धन। अब क्या कह रहे हैं, अब मैं भक्ति के लक्षणों के विषय में कहूंगा जिसके द्वारा मनुष्य का कृष्ण का आश्रय तथा उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण भक्ति अभिधय सर्व शास्त्र कहे, अतएव मुनि गण करी आचे निश्चय। मनुष्य के सारे कार्यकलाप केवल भगवान कृष्ण की भक्ति पर केंद्रित होने चाहिए। बार बार देखिए यही कह रहे हैं, सभी कार्यकलाप, अब सभी कार्यकलाप जो है कृष्ण के प्रति होने चाहिए। तो हमारा विज्ञान क्या है, तत्व विज्ञान क्या है, हम जब भी कोई कार्य कर रहे हैं हमें वो कार्य करने से पहले एक बार विचार करना चाहिए कि अगर मैं टीवी देख रहा हूं तो ये कृष्ण भक्ति की तरफ है क्या, है क्या, क्यों नहीं है? कौन कह रहा है टीवी देखना कृष्ण की तरफ नहीं है, बताइए कौन कहता है, हाथ खड़ा करिए। प्रभु जी आप हाथ खड़ा करिए, आपने अभी हम कहा था, हाथ खड़ा करिए। मैं तो कहता हूँ टीवी देखना सही है, कोई सहमत है मेरे साथ, कौन कौन सहमत है, हाथ खड़ा करिए। नहीं नहीं नहीं, मैंने कौन सा चैनल लगाना ये नहीं मैंने अभी तक पूछा आपसे, मैंने आपको पूछा है कृष्ण टीवी देखना कृष्ण भावना व्रत के लिए अच्छा है या नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है बताइए मुझे, क्यों नहीं है? गुरु महाराज जी स्वयं बोलते हैं, आपने गुरु महाराज जी को बोला कि गुरु महाराज जी मैं टीवी के ऊपर हरे कृष्णा चैनल देखती हूँ। यही फर्क है, जब आप उसका उपयोग किस लिए कर रहे हैं। आज यूट्यूब के ऊपर इतने सुंदर सुंदर लेक्चर्स हैं, कीर्तन हैं, अगर आप उसको टीवी को यूट्यूब से कनेक्ट करके अगर आप वो देख रहे हैं तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये गौड़ीय वैष्णव का विशेष तत्व है, क्या है? हाँ प्रभु जी,
हाँ, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, नहीं जो एक पर्टिकुलर, हाँ क्या कहते हैं उसको, हाँ प्रभु, देखिए हमारे वैरागी प्रभु जी बता रहे, युक्त वैराग्य युक्त वैराग्य मतलब आप उसका उपयोग, जैसे हम इतनी बार, मतलब आप कृष्ण इस्कॉन के सन्यासी भी क्यों विशेष है, इस्कॉन के सन्यासी तो प्लेन में ट्रेवल करते हैं, अब गुरु महाराज जी सुबह सुबह लैपटॉप लेके जूम पे लेक्चर दे रहे हैं, पूरी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, उनके साथ में प्रभु जी होते हैं, हमेशा फोटो खींचते रहते हैं, लेटेस्ट कैमरा होता है उनके पास में, लेकिन वो किस लिए यूज कर रहे हैं, वो भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वैराग्य केवल ये नहीं है मैं तो टीवी, वैराग्य क्या है, अगर आप उसका उपयोग कृष्ण की भक्ति में अग्रसर होने के लिए कर रहे हैं तो उसका उपयोग है। तो यहाँ पे यही क्या बता रहे हैं, मनुष्य के सारे कार्यकलाप केवल भगवान कृष्ण की भक्ति पर केंद्रित होने चाहिए, यही सारे शास्त्रों का निर्णय है और सारे संत पुरुषों ने यही निष्कर्ष निकाला है। लेकिन इसके साथ में एक वार्निंग है, जैसे एक आप तो नहीं, माफ कीजिए, कोई सिगरेट का पैकेट लेता है उसके ऊपर एक लिखा होता है ना, स्टैट्यूटरी वार्निंग, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन बोतल तो बिक रही है। इसीलिए टीवी के लिए भी एक वार्निंग है, केवल वही देखिए, चैनल चेंज करते करते कहीं सास भी कभी बहू थी पे लग गया तो फिर हम फंस गए। तो जिनको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है वो मत देखिए, अच्छा ही है, मत देखिए आप, अच्छा है। श्रुतिर्माता पृष्ठादिष्टि भवराश्वन विधि यथा मातुर्वाणी स्मृति तथा भक्ति भगिनी पुराणाद्य वा सहज निवास ते तद अनुगा अतः सत्यम ज्ञातम मुरहर भवानेव शरणमा। जब वेद माता श्रुति से प्रश्न किया गया कि किसकी पूजा की जाए, तो उसने कहा, देखिए श्रुतियां जो उनसे पूछा गया कि किसकी पूजा की जाए, तो उसने कहा कि आप भी एकमात्र आराध्य प्रभु हैं, कौन, कृष्ण। इसी तरह श्रुति शास्त्रों के उपसिद्धांत स्मृति शास्त्र भी बहिन तुल्य वही आदेश देते हैं, व्रात तुल्य पुराण, पुराणों को क्या बताया है, व्रात तुल्य भाइयों की, स्मृति शास्त्रों को बहन बताया है, किसकी बहन है, हमारे लिए बताया है, हमारी बहन है, और पुराण कौन है, हमारे भाई हैं, भ्रात तुल्य हैं, अपनी माता के पद चिन्हों पर चलते हैं। वो क्या कहते हैं कि मूर असुर के शत्रु, निष्कर्ष ये है कि आप ही एकमात्र आश्रय हैं, कौन, केवल कृष्ण। इसलिए अगर हम, मैं पूछता हूं ना कौन, और चैतन्य चरितमृत तो हमें विचार ही नहीं करना चाहिए, कौन, कृष्ण, क्योंकि इसमें केवल और केवल कृष्ण के विषय में ही बताया है, मैंने इसे तत्वतः समझ लिया है। अद्वय ज्ञान तत्व कृष्ण स्वयं भगवान स्वरूप शक्ति रूपे तार हय अवस्थान। कृष्ण अद्वय परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, यद्यपि वे एक हैं किंतु अपनी लीलाओं के लिए उनके विभिन्न स्वांश तथा शक्तियां हैं। भगवान एक हैं, केवल लोग केवल क्या करते हैं, अपनी लीलाएं करने के लिए अपने आप का विस्तार करते हैं, किन रूपों में, स्वांश तथा शक्तियों के रूप में। तो ये जो है ये पूर्ण ये अभी सिर्फ सातवां श्लोक हुआ है, समय भी हो गया है, तो सभी से अनुरोध है ये जरूर पढ़िए, बहुत सुंदर है। और वैसे ही चैतन्य चरितमृत इतना मधुर है, इसी धुन में अगर आप पढ़ेंगे ना बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो सभी से अनुरोध है आप पढ़िए, और भक्ति योग किस प्रकार से हम अच्छी तरह से भक्ति, हम इस संस्था में क्यों आए, क्यों आए, प्रभु जी अभी चलकरण जी में इस्कॉन का प्रचार बहुत बढ़ रहा है, जिसे भी सुनो वो कहता है मैं रविवार को सत्संग में जाता हूँ तो इसीलिए मैं भी आया हूँ। फैशन है, फैशन के लिए लोग करते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हम भक्ति के लिए आए हैं, है ना। तो अगर भक्ति में हमारी प्रगति कैसी होगी, कैसे होगी, हमें अगर ये सीखना है तो ये ग्रंथ पढ़ना आवश्यक है, और कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सुंदर है, बहुत सरल भाषा में, प्रभुपाद जी ने तो उसको इंग्लिश में बताया, और उसमें भी हमारे कुछ इतने अच्छे गुरु भाई हैं, कुछ ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दिया है, तो वह मराठी में भी है, चेतना चाहता में तो भी मराठी में भी उपलब्ध है, तो मराठी में भी पढ़ सकते हैं। तो सभी से अनुरोध है कि जरूर पढ़िए चेतना चरितमृत मध्य लीला 22वां अध्याय, ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय।